हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एनटीए नेट एग्जाम ही चैनल। मैं खास तौर पर पंजाबी स्टूडेंट ने बनाया जो एनटीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतने आके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इतने मैं तुम्हें डिफरेंट ऐसी जी इनफॉर्मेशन है प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो तुम मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, नाल देना बैल आइकन जरूर दबा लो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियोज़ में लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो एंड कमेंट करके दसो किस तरह के लगते पे ने। इस तो अलावा मैंने अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के उत्ते जाके भी फॉलो कर सकते हो, उत्थे भी काफ़ी ज़्यादा कोर्स चलते पे ने। अनअकैडमी की आई डी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बच्चे है। जिमें तुम्हें पता है आंसर कीज़ आ चुके हैं, अज असी आंसर कीज़ में डिस्कस करा विद डिटेल्स के नाल एंड थोड़े बहुत जो क्लीयर आउट भी करा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हैगी कोई डाउट लगता है तो वह उत्थे जाके कंप्लेन कर सकता है। एंड उत्थे अगर एग्जाम दे विच तुहानू लग्या है कि यह सही है हुण गलत है तो उत्थे जाके ऑब्जेक्शन भर सकता है। सो फस्ट साढ़े को जिहड़ा आइंदा हैगा वा पंजाबी जंगनामा के लेखक इत्थे किहड़े हैगे आ। सो फस्ट साढ़े को दिता है खजान सिंह ते मटक, फिर आइंदा वारिस शाह ते दमोदर, फिर आंदा वा शाह मुहम्मद ते मुकबल, फिर निहाल सिंह ते कादरिया। हुण इत्थे देखिए तुसीं राइट आंसर सानू जिहड़ा उन्होंने दिता ऑप्शन नंबर फस्ट ते थर्ड है, बट ऑप्शन नंबर फस्ट ते सैकेंड भी साढ़े को राइट आंसर मिलता पाया है। हुण अगर तुसीं देखो तो उन्होंने अगर इत्थे राइट आंसर दिता है फस्ट ते थर्ड, ठीक है। हुण इन्होंने राइट आंसर अपने हिसाब न अगर देखो तुसी बैकग्राउंड ते अगर तुसी हिस्ट्री ते अगर झाती मारो तो वो कई बार एक जेडे मुसलमान टाइप उन्होंने साइड ते रखे थे ते पंजाबी जेडे हैगे आ उन्होंने अगर साइड ते रखा है तो इत्थे ऑप्शन नंबर उन्होंने थर्ड राइट आंसर दिता होया है। अगर तुसी इस हिसाब न देखो क्योंकि उन्होंने थिंकिंग भी अलग होंगी, वो किस तरह सोचते सानू नहीं पता जिन्होंने राइट आंसर दिता है। सो अगर तुसी इस गल ते ऑब्जेक्शन क्लीयर करना चाहते हो उत्थे जाके अगर देखना चाहते हो तुसी देख सकते हो, ये तुहाडे ते डिपेंड है, बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है तो थर्ड भी इत्थे सही जा रहा है। उस तो बाद साढ़े को आएगा हैगा वा कालक्रम अनुसार पंजाबी किस्साकारा का जिहड़ा सही वर्ग किहड़ा हैगा वा। सो इत्थे राइट आंसर साढ़े को जिहड़ा हैगा वा वह फस्ट जा रहा है चिराग अवान, हाशिम ते कादरिया। एक किस्साकारा का जिहड़े पंजाबी किस्साकार है उन्हां दा सही वर्ग इस तरह ही आ रहा है। सो फस्ट इज़ द राइट आंसर। उस तो बाद आता वा नारी कवित्रियां तो उन्हां दीआं पुस्तकां। हुण नारी कवित्रियां तो उन्हां दीआं पुस्तकां देखणियां वा मंदर सप्तक नीतू अरोड़ा, एवें किवें वनीता, नदी नूं वहना पिया अमरजीत घुम्मन ते मिजराब मनजीत पाल कौर दे द्वारा है। सो इत्थे नारी कवि जिहड़े सही जिन्हां ने बुक जिन्हां दे नाल जा रही है वह इत्थे हैगी है साढ़े को ऑप्शन नंबर थर्ड ते फोर्थ, नदी नूं वहना पिया अमरजीत घुम्मन ते मिजराब मनजीत पाल कौर। सो थर्ड ते फोर्थ जिहड़ा साढ़े को इत्थे हैगा वा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। इतिहासिक भाषा विज्ञानी ना संबंधित भाषा विज्ञानी का सही जुट है। हुण ये जिहड़े दित्ते हुंदे ने जदों तुसीं बुक के उत्ते अगर भाषा विज्ञान वाले कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तुसीं देखोगे उत्थे जिहड़े पछमी विद्वान हुंदे ने कई बार उन्हां दा नाम रिपीट ते लिया हुंदा है ते कई बार उन्हां दीआं टिप्पणियां दित्तियां हुंदियां जां उन्हां दे कथन दित्ते हुंदे आ। अगर एक परसन दा नाम वार वार आ रहा है तुसीं उसनूं नोट कर सकते हो क्योंकि यह परसन जिहड़ा हैगा वा वह ज़्यादा इस दे नाल रिलेटड होएगा। सो अगर तुसी इतिहासिक भाषा विज्ञानियों की अगर वक् वक् अगर तुसी बी ए तो भी या एम ए दे विच अगर बुक पढ़ी है तो उन्होंने जिहड़े लहमैन ते कैबल हैगे आ उन्हां दा नाम काफ़ी ज़्यादा आउंदा है। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा राइट आंसर है वह है थर्ड। उस तो बाद आएगा वा सूची पहली तो सूची दूजी जिस दे विच असी मिलान करना है। पहला हैगा वा कैफे सार्तर, फिर हैगा वा मनुख ते मशीन, किस किस तरह के नाच ते बुराई दा टाकरा। उस तो बाद आएगा वा डॉक्टर हरदेव सिंह विरक, गुरबचन साहिब सिंह ते बाबा बलवंत। हुण इत्थे भी ट्रिक यूज़ होंदी है, अगर तुसी देखो सब तो पुराने राइटर्स तुसी चुन सकते हो या फिर गुरबचन या फिर साहिब सिंह या फिर बाबा बलवंत, एक दो इन्हां दी अगर बुक तुसी मिलान कर लेंदे हो तो तुहानू अपने आप क्लीयर आंसर मिल जाना है। सो इत्थे जिहड़ा फस्ट साइड को आंदा हैगा कैफे सरदार वो जिहड़ा राइट आंसर है वह गुरबचन दे नाल है। उस तो बाद आंदा वा मनुख ते मशीन वो हरदेव सिंह विरक दे नाल, किस किस तरह के नाच जिहड़ा हैगा वा वह है बाबा बलवंत, ते बुराई दा टाकरा जिहड़ा हैगा वा साहिब सिंह दे नाल। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। सो उही मैं कहनी हाँ एक अद्धा परसन चुन लो, राइटर देख लो, ध्यान ना देखो, अगर उन्होंने तुहानू लगती पई है बुक इस दे विच हैगी आ तो बिना सोचे समझे तुसी टिक कर सकते हो क्योंकि राइट आंसर उही होएगा। बट जरूर देखो कि अगर उस तरह कितों होर भी ऑप्शन मिलता पाया है जिवें हुण इत्थे सैकेंड है थर्ड का भी सैकेंड है दैन तुहानू थोड़ा जिहा होर मुशक्कत करनी पएगी इस दे बारे। सो इत्थे ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर है। उस तो बाद हैगा वा
ਰੱਬ ਝੂਠ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਹੋਏ ਰਾਂਝਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਚੋੜ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਸੂ। ਭਗਤੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹੀਰ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਜਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ? ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਂਝਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਗਰ ਟੋਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਦੂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਹੜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਦੋਹੜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਸੋਰੀ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਬੈਸਟ। ਸੀਰਫੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਡੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੋਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ? ਦੋਹੜੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁੱਟ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਛਪਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਤੁੱਕਾ ਅਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਗਤ ਸਰੋਕਾਰ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਸਹਿਜ ਚੇਤਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚਿੰਤਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਪਖੰਡ ਖੰਡਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਵਿਸਮਾਦ ਬੋਧ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਟੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਬਵੀਅਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਮੋਸ਼, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਮੋਸ਼। ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ, ਹੁਣ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਨਿੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦਾਂਤ, ਜਸਵੰਤਦੀਤ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਸਦਾ ਇੰਜ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਵਾਲਾ, ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂਤ ਅਤੇ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਸਦਾ ਇੰਜ ਹੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ। ਦੇਵ ਸ਼ਬਦਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਨਿੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਸਵੰਤ ਦੀ ਸੰਦੂਕ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਵ ਅਤੇ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਪ ਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਅੱਗ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ।
उस तो बाद आंदा साढ़े को सूची पहली सूची दूजी अवतार जंडियालवी अमरजीत चंदन अजमेर रोडे निरंजन सिंह नूर फिर आंदा संदूक लीला असी काले लोग सदीदे उजोन दी अक्ख। सो इत्थे अगर तुसी देखो सैकेंड नंबर साढ़े को जिहड़ा हैगा वा अमरजीत चंदन हुणे असी पढ़ के आए हाँ संदूक उन्हां दे नाल रिलेटेड है। सो बी ते फस्ट जिहड़ा हैगा वा वो इत्थे ही हैगा वा। सो ऑप्शन नंबर सैकेंड राइट आंसर है ठीक है जिस दे विच अवतार जंडियालवी असी काले लोग सदीदे अमरजीत चंदन संदूक अजमेर रोडे लीला ते निरंजन सिंह नूर जिहड़ा हैगा सी ओजोन दी अख दे नाल रिलेटेड है सैकेंड राइट आंसर है। समरूपी ते समवर्गी व्यंजना दी तरतीब है बहुत ईजी है दुत व्यंजन के नाल रिलेटड हैगा। सो फस्ट राइट आंसर है इतने। उस तो बाद आता वा पाकिस्तानी पंजाबी कहानी संग्रह की सही जुट केड़ी हैगी है। लहू दी खुशबू कच्चिया कंधा पुनर्वास ठोस सबूत वाटा अधूरिया खुरे हुए रंग वगदा पानी टावा टावा तारा। सो इतें जड़ा हैगा वा कहानी संग्रह फस्ट यानी कि लहू दी खुशबू कच्चिया कंधा ते फोर्थ वगदा पानी टावा टावा तारा ये राइट आंसर है। फस्ट ते फोर कितने आ रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड ते। सो ये इतने राइट आंसर है टावा टावा तारा जोड़ा हैगा वा मुहम्मद मंशा याद के नाल रिलेटड है। उस तो बाद पुनर्वास ठोस सबूत जोड़ा हैगा वा मित्र सैन मीत के नाल हैगा वा ते वाटा अधूरिया जोड़ा ये हैगा वा बचिंत कौर के नाल रिलेटड है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है इतने। उस तो बाद हैगा वा पंजाबी वार्ताकारा का सही वर्ग कहड़ा हैगा वा वार्ताकार जिहड़े सही वर्ग दे विच जिहड़े हैगे आ। सो तुसी देख सकदे हो अगर देखो तां अमरजीत चंदन तेजा सिंह पूरन सिंह डॉक्टर अतर सिंह ये भी सही नहीं हैगा क्योंकि पूरन सिंह पहलों आंदे ने। उस तो बाद जे देखो पूरन सिंह सही है फर्स्ट ए शेर सिंह लाल सिंह कमला काली संत सिंह सेखों शेर सिंह बाद चो आंदे लाल सिंह कमला काली भी संत सिंह सेखों पहलों आंदे ने। सो ये भी गलत है पहलो लाल सिंह कमला काली सेखों शेर सिंह। उस तो बाद आंदा वा हरदीप सिंह ढिल्लों प्रोफेसर साहिब सिंह तेजा सिंह ते उस तो बाद आंदे आ नरिंदर सिंह कपूर जिहड़ा कि ऑब्वियसली सही हैगा वा धनी राम चात्रिक पहलों आंदे ने केसर सिंह केसर बाद चो आंदे ने। सो ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ये राइट आंसर है साढ़े को। पिछे एक सरदार दे खेड चली पई नित हुंदी मारो मार मियाँ सिंगा मार सरदारा का नाम कीता सबो कतल होए वारो मार मियाँ। सो ये पंक्तियाँ किस रचना विचों है अगर सरदार का नाम सरकार तो सरदारा तो सिंगा का नाम अगर आ चुका है सो ऑब्वियसली सिंगा तो फिरंगिया के विचों ही होएगी। सो ऑप्शन नंबर फोर इतने राइट आंसर है। उस तो बाद है रोमन जैक बसन अनुसार अनुवाद के भाग केड़े केड़े है ने। सो रोमन जैक बसन के अनुवाद के भाग है अनुभाषाई अंतर भाषाई अंतर अर्थी अनुवाद ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर है। हुण इत्थे वार जिहड़े हैगे आ उन्हां दा मिलान करना है सरहंद दी वार ये वार हैगी मैं ये जिहड़े आधुनिक वारां विचों लए गए हैगे ने आधुनिक वार पुरानियां वारां नहीं आधुनिक वार हैगे वा सरहंद दी वार जिहड़ी हैगी सी वो है विधाता सिंह तीर दे नाल तिलंगाना दी वार प्यारा सिंह सहराई वली कंधारी दी सोहन सिंह सीतल ते राणा प्रताप दी वार हजारा सिंह गुरदासपुरी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। महाकाविक विस्तार वाले नावल केड़े केड़े हैगे ने होनी एक देश दी मशीना वाले। सो होनी एक देश दी जिहड़ी हैगे आ एक केवल कलोटी द्वारा 1993 दे विच आया सी ये जिहड़ा नावल हैगा देश मंड दे नाल संबंधित सी मशीना वाले जिहड़ा हैगा सी ये अमरजीत सिंह वल्लों सी। उस तो बाद आंदा हैगा वा युद्धनाद पंजवां साहिबजादा दुल्हे दी ढाब दस्तावेज़ औड़ दी वीर दस्तावेज़। सो इत्थे जिहड़ा साडे कोल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिहड़ी मैं हुणे दस्या वा। सो नैक्सट जिहड़ा साडे कोल राइट आंसर है दुल्हे दी ढाब ते दस्तावेज़। दुल्हे दी ढाब जिहड़ा हैगा वा राम सरूप अणखी द्वारा सी ते दस्तावेज़ जिहड़ा हैगा सी ओह प्रेम प्रकाश दे द्वारा सी। सो इत्थे फर्स्ट ते साडे कोल थर्ड राइट आंसर है फर्स्ट ते थर्ड कित्थे जा रहा है ऑप्शन नंबर फोर। सो फोर राइट आंसर है। सो ये सी अज का टॉपिक बाकी रह गए ने नैक्सट बच्चे असी कंप्लीट करते जावे वीडियो जरूर देखो थैंक यू।